Standard 5th Computer Day 9. This is the book cover, Introduction to Computers, Book 5. Chapter number 3, page number 40, Storage. Now, before the lesson start, let me ask you question. Children, if I say you to remember the lesson, how you will do it? Someone will store the lesson into the brain. And someone will write the lesson or will read the textbook. Now, see the difference between these two information. One is in the brain, other is in the textbook. The information which are stored in brain will temporary and it will be deleted after some time. You will forget it. You cannot remember everything in your future. But whatever written in the notebook or on the textbook, you can remember it. You can recall it wherever you require. So, in this way, we will store the data into our brain or in the notebook. Same way computer works, and how it works, let's see in this lesson. Storage of data, programs, information is one of the most important function of computer. Means data ko, programs ko, information ko store karke rakhna, jama karke rakhna, ye computer ka important function hai. Yadi ye nahi hota hai, information store nahi hota hai, तो कंप्यूटर किसी यूज़ का नहीं है, क्योंकि वो डेटा हमको बार बार वापस रिट्राई करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है. तो हर टाइम तो हम लिख नहीं सकते हैं. इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी लेबरस वर्क. सो द कंप्यूटर हैज़ टू परफॉर्म द स्टोरेज ऑफ वर्क. अ कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट्स मेमोरी. और कंप्यूटर क्या करता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर करता है, मेमोरी में. जैसे हम अपने ब्रेन में याद रखते हैं, स्टोर करते हैं, सेम वे कंप्यूटर स्टोर्ड इनटू इट्स मेमोरी. दिस डेटा कुड बी टेक्स्ट, पिक्चर, इवन साउंड. और ये डेटा क्या होता है, या तो टेक्स्ट होता है, मतलब लिखा हुआ ए बी सी डी रहता है जो, दैट इज़ आवर टेक्स्ट. एंड पिक्चर, पिक्चर्स तो आपको मालूम है, फोटोज रो रहती है. और साउंड, मतलब कोई कोई इन्फॉर्मेशन साउंड के इसमें पैटर्न में रहता है, जैसे सॉन्ग रहता है, that is in sound. You can use this stored data whenever you want. और आपने आप ये stored data जब भी आपको ज़रूरत है तो वापस उसे आप use कर सकते हो. जैसे मुझे गाना play करना है तो गाना CD में मैंने डाल दिया है, तो वो जब भी मुझे गाना use करना है, I will play the CD and thousand time, lakhs time I can play the CD. And same way, if I want to open the textbook in computer, I can open it because it is stored in form of text. और PDF file रहेगी, वो PDF file हज़ार बार use करना है, आप हज़ार बार use कर सकते हो. There are two kinds of storage area in computer, primary memory and secondary memory. Computer की memory भी दो type की है, एक primary है, एक और दूसरी secondary है. जो प्राइमरी है वो इनसाइड है, कंप्यूटर के अंदर है, और जो सेकेंडरी है कंप्यूटर के बाहर है. मतलब ए वन इज़ अ इंटरनल मेमोरी, अदर इज़ एक्सटर्नल मेमोरी. दिस कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन. ये एग्जांपल दिया, इलस्ट्रेशन का एग्जांपल है, तो हम इधर से देख सकते हैं. स्टोरेज है, दो टाइप के हैं, वन इज़ प्राइमरी, अदर इज़ सेकेंडरी. प्राइमरी में है रैम एंड रॉम. RAM stand from random access memory and ROM stand from read only memory. तो primary की दो है, RAM and ROM. Secondary के चार है, one is hard disk, other is CD, DVD and USB flash drive. Let's see the difference between primary storage and secondary storage. This is not in your textbook, this is the extra information you are getting about primary and secondary स्टोरेज और मेमोरी. प्राइमरी मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी. ये प्राइमरी मेमोरी को हम बोलते हैं मेन मेमोरी, और ये है इंटरनल मेमोरी, मतलब अंदर है, कंप्यूटर के अंदर है. रैम एंड रोम दोनों अंदर है. सेकेंडरी स्टोरेज
ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसको ये मेन जैसे ऑक्सिलरी वर्ड रहते हैं ना, मेन वर्ड के पीछे वाले वर्ड्स रहते हैं, दैट इज़ ऑक्सिलरी वर्ड। तो ऑक्सिलरी है ये सेकेंडरी, उसके सेकेंड वाला पार्ट का है, और ये एक्सटर्नल मेमोरी है, इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा, सेकेंडरी मेमोरी नहीं रहता है तो थोड़ा तो कंप्यूटर वर्क कर सकता है। रॉम रैम कैच प्रॉम एंड ई प्रॉम, ये इसके एग्जांपल्स हैं प्राइमरी के। HDD, CD, DVD, फ्लॉपी एंड फ्लैश ड्राइव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी स्टोर डेटा वाइल इन यूज़, ये जो रैम रोम रहता है ये टेम्पररी यूज़ करते हैं हम लोग, स्टोर करके रखते हैं, जैसे लाइट गई ये इंफॉर्मेशन भी वैनिश हो जाता है फ्रॉम द कंप्यूटर एंड यू कैन नॉट रिकलेक्ट इट। वेयर इज़ द सेकेंडरी मेमोरी इज़ अ परमानेंट इज स्टोर डेटा, ये परमानेंटली हो जाता है, एक बार इसमें स्टोर कर दिया तो आपका डेटा लाइट जाए या ना जाए फिर भी वहीं की वहीं वैसे की वैसी ही आप वापस रिकलेक्ट कर सकते हो। प्राइमरी इज अ वोलाटाइल मेमोरी, व्हाट इज द वोलाटाइल मीन्स वंस द लाइट वंस द इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन पावर सप्लाई इज ऑफ द इंफॉर्मेशन यू हैव रिटन और कलेक्टेड विल रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर एंड यू कैन नॉट कलेक्ट इट। जैसे हम याद करते हैं 10 चैप्टर में से 10 चीज याद किए हैं तो हम उसमें से भूल जाते हैं, तो अवर मेमोरी इज़ ऑल्सो वोलाटाइल, हम भी उसको रिकलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जस्ट लाइक अवर ब्रेन द रैम एंड रोम वर्क्स। एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी इज़ नॉन वोलाटाइल, इस ये कभी भूलती नहीं, जो एक बार स्टोर कर दिया तो स्टोर हो गया। CPU डायरेक्टली एक्सेस डेटा, CPU आपका ये डेटा यहीं से एक्सेस करता है प्राइमरी मेमोरी से, एंड CPU डज नॉट डायरेक्टली एक्सेस डेटा, और CPU इसमें से एक्सेस नहीं कर सकता है, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया है तो पेन ड्राइव आपको लगाना पड़ेगा और इसके बाद उसको एक्सेस करना है इंफॉर्मेशन, बट यहाँ से रैम एंड रोम तो अंदर ही रहता है। पावर कट कॉज द डेटा लॉस, और पावर कट हो गया तो डेटा चला जाएगा, इंफॉर्मेशन वैनिश हो जाएगा। द पावर कट डज नॉट कॉज द डेटा लॉस, आपको पहले बताया है वोलाटाइल और ये पावर कट का पॉइंट इज वन इन द सेम। लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, रैम एंड रोम की 2GB की होती है, 4GB की होती है, वेरी लिमिटेड कैपेसिटी होते हैं, वेर एज दिस कैन बी एक्सटेंडेड टिल 64 और मोर देन दैट। फास्टर डेटा एक्सेस, और प्राइमरी स्टोरेज है तेज़ काम करता है, और ये स्लोअर डेटा एक्सेस है, धीरे धीरे डेटा को हमको सप्लाई करता है। ओके, सो द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस इज क्लियर। लेट्स गो टू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेमोरी और मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। देर आर टू काइंड ऑफ प्राइमरी मेमोरी, वन इज रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, टू रोम रीड ओनली मेमोरी। लेट्स सी अबाउट रैंडम एक्सेस एंड रीड ओनली मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM is a temporary memory. RAM कैसी memory है? Temporary, मतलब कुछ समय के लिए ही ये memory आपकी stored रहेगी information. Data, programs or information is stored in RAM in the form of electric pulses. कैसे form होती है? Electric pulses, electric currents रहती है, उस type के beats अंदर जाते हैं और electric pulses के form में वो data stored रहती है। Hence, anything stored in RAM will remain stored there only as long as the electric power is supplied to the computer. मतलब information तब तक ही रहेगी जब तक उसको supply मिल रही है electricity की, जैसे supply चली गई information भी चला गया। If there is an interruption in power supply or if you accidentally switch off the computer, we will lose ऑल स्टोर डेटा इन रैम, और आपके रैम पे जितनी भी मेमोरी राइट हो रही है लाइट चली गई तो सारी रब हो जाएगी।
if you cannot retrieve the lost data, you cannot retrieve the lost data even if the power supply is restored. So the RAM is temporary memory. In RAM, information is stored using bit, binary digit 0 or 1. Bits क्या होता है? एक type का information रहता है. जैसे हम ABCD लिख के type करते हैं, तो हमको लगता है computer को ABCD पता है. But actually your computer does not know the alphabets or words or sentences. Okay? Or even he do not know the calculations. What he exactly know? He knows the language of computer, that is bits and bytes. So all the information stored in form of number 0 and 1. Thus a bit can contain only two digits 0 or 1. Aapki bit ko do hi cheez aata hai, 0 or 1 aata hai. This method of using only two digit is called binary system. Aur ye जो 0 और 1 यूज़ करते हैं बीट और बाइट्स में, उसको हम बोलते हैं बाइनरी सिस्टम. और कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सिस्टम ही पता है, नॉट ही डोंट नो द लॉजिकल इंफॉर्मेशन और एनी मैथमेटिकल और अल्फाबेटिकल इंफॉर्मेशन. अ नंबर और अ लेटर यू एंटर यूजिंग कीबोर्ड इज स्टोर्ड इन रैम यूजिंग 8 बिट्स. जो भी नंबर लेटर्स आप लोग टाइप करते हो, वो कहाँ पे जाती है इंफॉर्मेशन? रैम में जाती है और वो 8 बिट्स में स्टोर होती है. अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट्स. और जैसे कि 0000001, ये एक हो गया कैरेक्टर और उसको हम बोलेंगे 1 बाइट. और ये एक हर एक 00 जो हम डाल रहे हैं, 000 हम 70 और 1 डाल रहे हैं ना, तो ईच एंड एवरी 0 एंड 1 नंबर इज अ बिट. और 8 जो सेट बना है आपका, वो बन गया बाइट. ओके, तो ये ही इंफॉर्मेशन जाती है रैम पे. और वो जो एड्रेसिंग है 00000 और 1, ये एक अल्फाबेट रिप्रेजेंट करता है. A group of 8 bit is called byte. A character, number, letter is equal to 8 byte and 1 byte. Means आप यहाँ पे सिर्फ letter समझ लो कि ये खाली letter n दिख रहा है, तो उसका जो addressing रहता है वो bit में 8 digit का रहेगा. और ये 8 digit, फिर next number, next letter is u. okay, तो ये 8 डिजिट का रहेगा, M 8 डिजिट का रहेगा, B 8 डिजिट का रहेगा, E 8 डिजिट का रहेगा और R रहेगा. अभी 8 ये सोच लो कितने डिजिट का होगा, नंबर ही सिर्फ लिखने का और इसको इतना पेज को स्टोर करना है. ओके, दिस इज़ जस्ट अ पैराग्राफ. लाइक दैट द थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पेपर द कंप्यूटर कैन स्टोर. सो हाउ फास्टली इट विल वर्क, जस्ट इमेजिन. Next is ROM, read only memory. ROM stores the program which tells the computer how to work. ROM क्या करता है? Programs करता है और जो store करके रखता है और computer को बताता है कि आपको क्या करना है, किसके बाद क्या करना है. जैसे कि हमको addition करना है, तो हमको, हम तो simply 2+2 कर दिए हैं, बट कंप्यूटर कैसे एक्सेप्ट करता है? 2 को ले लेगा वो, पहले 2 हमने दिया है तो that will go to RAM. ओके, नंबर 2 विल गो टू RAM, हमारे RAM मेमोरी पे चला गया. अभी 2 को क्या कन्वर्ट करेगा? वो कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर्स, बिट्स में काउंट कर लेगा, तो उसका एड्रेसिंग हो जाएगा. फॉर एग्जांपल 2 का बिट्स कन्वर्शन होगा 00100000, 8 नंबर्स में वो कन्वर्ट हो गया एनी हाउ. फिर प्लस को भी वो वापस 8 बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करेगा और 2 नंबर को भी वापस बाइनरी नंबर में. तो उसको 3 प्रोसेस करना है, 2+2 का 3 प्रोसेस करना है, कन्वर्ट द 2+2 इनटू बाइनरी नंबर्स. अभी वो बाइनरी नंबर्स का रिजल्ट भी बाइनरी नंबर्स में ही रैम पे आएगा, ये जाएगा रोम पे. ओके,
तो रॉम अपना बाइनरी नंबर्स को कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हमको बाइनरी नंबर्स नहीं आते, वी डोंट नो द बाइनरी, ह्यूमन कैन नॉट रीड द बाइनरी नंबर्स एंड कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज. सो अभी कुछ तो इंटरप्शन होनी चाहिए कि हमारे इंफॉर्मेशन उनको मिले और उनका इंफॉर्मेशन हमको मिले. तो ये जो रॉम है वो प्रोग्राम को अपने ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमको डिस्प्ले करती है कि 2 + 2 = 4, तो हमको 4 होता है. एग्जैक्टली उसका जो आंसर आता है रैम पे वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, क्योंकि वो तो हमको पता भी नहीं होता है कि इसका एड्रेसिंग क्या है. फॉर एग्जाम्पल, वेन यू स्विच ऑफ ऑन द कंप्यूटर, इफ द रॉम दैट सेंड द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू द सीपीयू गेट गोइंग एज नेम सजेस्टेड, प्रोग्राम इन रॉम कैन बी रीड. The instruction cannot be changed and will not be lost even if there is an interruption in power supply of the computer accidentally switched off. और ROM का information जाता नहीं है, light चली गई फिर भी. Is it clear, children? So in this lesson what we have learned? We have learned about storage, primary and secondary. प्राइमरी में हमने रैम एंड रॉम को देख लिया है, उसका डिफरेंशिएशन भी देख लिया है, एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी का भी डिफरेंशिएशन देख लिया है. ये द सेशन ओवर, फिनिश. थैंक यू चिल्ड्रन.